नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बिहारी ब्लॉगर कॉमन में। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं एकदम बाजार जैसा लिट्टी। जब हम मार्केट जाते हैं और लिट्टी जैसा मार्केट में मिलता है, बिल्कुल उसी तरह का लिट्टी बना करके दिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करके आगे शेयर करना न भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम आटा को सान करके तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर गेहूं का आटा और मैदा दोनों आधा आधा लिए हैं। 250 ग्राम गेहूं का आटा, 250 ग्राम मैदा। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं का आटा या फिर सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह से भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से थोड़ा सा मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच। और फिर इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब रिफाइन तेल। आप चाहे तो इसमें शुद्ध घी डाल सकते हैं, या फिर सरसों का तेल डाल सकते हैं, रिफाइंड डाल सकते हैं, जो आप पसंद करते हो वो तेल इसमें डाल सकते हैं। तो बस आप इसमें नॉर्मल सा पानी डाल के एक अच्छे से डो तैयार कर लेंगे आटा को, अच्छे से सान के, जैसे हम नॉर्मल सा रोटी बनाने के लिए सानते हैं। तो आटा को हमने अच्छे से सान करके तैयार कर लिए हैं, जैसे रोटी बनाते हैं सॉफ्ट सा आटा सान के तैयार किए हैं। तो बस अब इसको ढक देंगे और 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक आटा उधर रेस्ट करने के लिए रखे हैं, तब तक सत्तू का स्टफिंग बना करके तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज की प्याज लिए थे, जिसको हमने एकदम पतले पतले और छोटे छोटे साइज में काट लिए हैं। यह है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, जिसको हमने दरदरा सा पीस लिए हैं। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके भी डाल सकते हैं, कूट के भी डाल सकते हैं। यह है मंगरेल, तो ये 1/2 छोटी चम्मच ले रहे हैं। 1 चम्मच अजवाइन, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ में ही डालेंगे सत्तू। तो यहाँ पर हम चने का सत्तू का यूज कर रहे हैं। स्टफिंग चनों का ही सत्तू से बनाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो अब हम इसको मिला देंगे। और अगर आपको कोई दूसरा रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को वो रेसिपी बना करके दिखाऊंगी। तो बस अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पर हमने 1/2 छोटी चम्मच काला नमक लिए हैं और 1/2 छोटी चम्मच सादा नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद हमने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं, जिसको हमने पहले से ही पका करके रखे हुए हैं। तो इस लिट्टी में हम नींबू नहीं डालने वाले हैं, नींबू के जगह पर अचार का मसाला और ये टमाटर डालेंगे। तो इसको हमने पहले से ही पका लिए हैं। तो अब इसका जो है, इस तरह से जितना भी जूस निकलता है, सारा जूस को हम निकाल देंगे और ये भी डाल देंगे बाद में। फिर इसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे और इससे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है लिट्टी खाने में। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अगर आपको हमारा रेसिपी अच्छा लगे
तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा इसी तरह का रेसिपी रोज़ रोज़ देखने के लिए। तो बस अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अचार का मसाला। तो यहाँ पर हमने एक बड़े चम्मच के करीब अचार का मसाला लिए हैं, इसको डाल देंगे। और फिर डालेंगे एक चम्मच के करीब सरसों का तेल। यहाँ पर सरसों का तेल ही यूज करें, दूसरा तेल अच्छा नहीं लगता है। फिर भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपको सरसों का तेल पसंद ना हो तो। तो बस अब इसको अच्छे से मिला देंगे और अंत में इसमें डालेंगे हरा धनिया का पत्ता। तो आटा को रखे हुए 15 मिनट तक हो गया है और आटा बहुत अच्छे से फूल गया है। तो इसको जो है थोड़ा सा और आटा को कुन्नी लगा देते हैं। जितना अच्छा से कुन्नी लगाएंगे उतना ही अच्छा लिट्टी जो हमारा बनेगा। तो इसको पहले 2 मिनट तक हम कुन्नी लगा लेते हैं। अब हम इसका छोटा छोटा लोइयां तोड़ लेंगे। लोइयां तोड़ने के बाद बस अब हम इसमें भरेंगे, एक लोइया लेंगे और इसमें थोड़ा सा आटा लगाएंगे और कुछ इस तरीके से इसमें जो है बीच में होल बना देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम थोड़ा सा स्टफिंग लेंगे जो सत्तू का हमने बना करके रखे हुए हैं और बस इसमें भर देंगे और चारों तरफ से दबाते हुए अच्छे से इसका मुंह बंद कर देंगे ताकि फटे ना, एकदम बहुत अच्छे से बंद करना है। तो देखिए इस तरह से फिर गोल गोल घुमाते हुए एक जैसा कर देना है। एक और बना करके दिखा देते हैं। तो बस उसी तरह से फिर इसमें जो है बीच में होल बना लेंगे। हम लोग इसको कोची बोलते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो आप लोग माफ करिएगा। तो बस इसी तरह से फिर से इसमें स्टफिंग को भर देंगे। और आपका कोई राय है तो हमें कमेंट में जरूर जो है दीजिएगा। तो लीजिए दूसरा भी बनके रेडी है। इसको दबा के थोड़ा सा चिपटा कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब इसी तरह से हम सारा लिट्टी को भर लेते हैं। कढ़ाई में हमने डाल दिए हैं रिफाइंड तेल, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम एक एक करके जितना एक बार में लिट्टी आएगा उतना डाल देंगे और तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो हमने सारे लिट्टी को डाल दिए हैं। अब गैस को कर देंगे मीडियम टू लो और इसको अच्छे से एक तरफ से सिझने देंगे। तो एक बगल से ये जो है पक चुका है, अब हम इसको पलट देते हैं और इसी तरह से 2-3 बार उलटते पुलटते हुए अच्छे से लिट्टी को जो है पका लेंगे। तो लिट्टी को हमने अच्छे से जो है सिझा लिए हैं, लिट्टी अच्छे से सिक गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और काफ़ी अच्छा लिट्टी बना है, एकदम बाजार जैसा और बहुत ही अच्छे से लिट्टी जो है फूल गया है, आप लोग देख सकते हैं। सारे लिट्टी को निकाल लिए हैं। वापस से फिर हम जितना एक बार में लिट्टी आएगा इसमें डाल देंगे और इसी तरह से अच्छे से उलटते पलटते हुए सिझा लेंगे। और लिट्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है, एकदम बाजार का तरह। Okay.
तो देखिए हमारे इतने सारे लिट्टी बन करके तैयार हुए हैं और हमने सारे लिट्टी को बना लिए हैं। अगर आपको हमारा रेसिपी अच्छी लगे हो तो हमारे रेसिपी को लाइक करें, आगे शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक न्यू वीडियो में। देखिए हमारा लिट्टी कितना अच्छा बना है और एकदम काफ़ी अंदर तक पका है।